हमेशा ही भोजपुरी सिनेमा के एक अभिनेता ऐसे भी हैं मैं जिनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता हूँ। अक्सर मैं कहता हूँ कि बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की तरह उनके नक्शे कदम पर चलते हुए यश कुमार काम कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि यश कुमार भोजपुरी सिनेमा के उन अभिनेताओं में से एक हैं जो लगातार शूटिंग में व्यस्त रहे हैं, एक से बढ़कर एक फिल्में इंडस्ट्री को दे रहे हैं, रिलीज भी होती है और नए नए किरदार नए नए कहानियों के साथ भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों को अपनी ओर खींचते हैं। सैटेलाइट में टीआरपी के मामले में यश कुमार की फिल्में भी एक से बढ़कर एक हो गई हैं। यश कुमार ने कुछ देर पहले ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ऐसी तस्वीर शेयर की है, अपने अगले अपकमिंग फिल्म को लेकर खुद का लुक शेयर किया है, जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उनकी न केवल तारीफ करूं बल्कि उनकी खबर को आप तक भी पहुंचाऊं। अगर बहुत ध्यान से आप देखेंगे तभी जाकर पता चलेगा कि ये यश कुमार हैं, लेकिन रियलिटी सच्चाई ये है कि ये यश कुमार ही हैं। गंजे हैं, अगल बगल में बाल है और अपने नए फिल्म के मुहूर्त की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए फिल्म का नाम यहाँ लिखा हुआ है, लालू जी की लव स्टोरी, और यश कुमार जी जो हैं लालू के किरदार में यहाँ दिख रहे हैं। अब रियल में नेताजी लालू प्रसाद यादव जी की स्टोरी से संबंधित ये वीडियो है, ये फिल्म बन रही है कुछ और पता नहीं, लेकिन इस तस्वीर को शेयर करने के साथ साथ यश कुमार ने कैप्शन में लिखा है, मिलिए हमारी फिल्म लालू जी की लव स्टोरी के लालू जी से, उम्मीद है कि ये किरदार आप सभी को बेहद पसंद आएगा, आपका अपना यश कुमार। तन्वी मल्टीमीडिया कंपनी की तरफ से रिलीज किया गया है इस कहानी को, इस खबर को। खास बात यह है कि इस फिल्म में भी यश कुमार की खास अभिनेत्री उनकी मंगेतर निधि झा हैं, जल्द ही दोनों शादी कर रहे हैं। निधि झा ने भी अपना लुक शेयर किया है यश कुमार के इस लुक के साथ। निधि झा ने लिखा है, मिलिए हमारी फिल्म लालू जी की लव स्टोरी के लालू जी से, बहुत ही सुंदर जोड़ी, बहुत ही प्यारा किरदार। अब तक यश कुमार और निधि इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह के सेट पर थे, जहां पर उन्हें एक दौर की सुपरस्टार अभिनेत्री रिंकू घोष ने भी ज्वाइन किया। तीनों ने शूटिंग खत्म की और अब इस फिल्म के काम पर यश कुमार निधि के साथ जुड़ गए हैं। यश कुमार को लेकर, उनके इस नए किरदार को लेकर क्या चलता है जहन में, लिखकर आप हमें बता सकते हैं। नमस्कार।